अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त हैरियत से होंगे और लाला रिपेयरिंग वाला में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस रिलेटेड से है कि हम आपको बताएंगे कि रिपेयरिंग शॉप जो सी है वो बिजनेस उसको चलाने के लिए हमें किस अमाउंट की और कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको रिपेयरिंग जो सा है ये सीखने के लिए और इसके टूल के बारे में और बिजनेस को कैसे हम इसको अप लेके जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे जो रिपेयरिंग का कोर्स है या रिपेयरिंग के हवाले से या उसके रिलेटेड जो सी चीज़ें हैं आप बिजनेस किस कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको अगर आप मशीनें या नॉर्मल कैटेगरी में आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपको 1 लाख या 1,20,000 के अराउंड आपका खर्च आएगा, जिसमें आपको हीट गन, आयरन स्टेशन और छोटे मोटे टूल जो से हैं ना वो आपके आएंगे। और इसमें एक एडवाइस की बात जो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजनेस आपका अपना जो से वो कैसे रन करना चाहते हैं, उसके मतलब ये है कि अगर आपके पास अमाउंट कम है, आपके पास बजट थोड़ा है, तो आप उसमें जो सा ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप काम स्टार्ट करें 1,00,000-1,20,000 तक। और इसमें आप जो मैंने आपको पहले भी बताया जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप ले लें, बाकी जो सी मशीनों की जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, आपने काम सीखना है उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर होता है जो काम सीखने के हवाले से होता है। तो सबसे पहले अगर आपने अपना कोर्स कम्प्लीट कर लिया है, आप शॉप बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको जो सा आप नॉर्मल स्टार्ट करें, आप महंगी मशीनी जो सी आप बेशक इंस्टॉल ना करें, आप ग्लासों का काम कर रहे हैं या आप मदरबोर्ड आईफोन या सैमसंग एंड्रॉयड की रिपेयरिंग, आजकल तो 2 कोर्स चल रहे हैं ज़्यादा, तो बाद में जो सा तीसरा जो सा आ रहा है वो है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर में तो कम लोगों की दिलचस्पी है, ज़्यादातर जो सी जो दिलचस्पी लोग ले रहे हैं या आगे जो सा वर्क हो रहा है वो हो रहा है आपका भला करे ग्लास चेनिंग एच की होगी, वॉलेट की होगी, टैबलेट वगैरह की। फिर उसके बाद जो सा आता है मदरबोर्ड की आती है। अगर आप ग्लास आप देख रहे हैं कि मैं ग्लासों का काम जो सा है वो अच्छा कर सकता हूँ, तो आप ग्लासों से स्टार्ट करें, ग्लास चेनिंग के हवाले से। उसमें आपको एक मैं जो सा एडवाइस दूंगा वो ये है कि आप 1,00,000 रुपए में अपना काम स्टार्ट करें, बाकी आप ग्लास रिमूव करें। मार्केट में और भी बंदे बैठे हैं जिनके पास मशीनें हैं, जिनके पास सारी मशीनें इंस्टॉल है, तो आप उनसे जाके अपना एलसीडी वगैरह साफ कर लें, मतलब ग्लास उतारा, आपने मेहनत की है, अब आप कहते हैं कि पंचिंग जो सी है वो उसके लिए मशीन दरकार है, पंचिंग बंदा 3-4 तरीकों से अपना जो सा वो काम कवर कर सकता है। आप किसी और को पैसे दे के आप उस चीज़ को पंच करवा लें, जब आपका काम बेहतर से बेहतर होता जाएगा तो आप जो सा है अपने हिसाब के साथ जो सा है वो मशीनें इंस्टॉल करें। मैंने भी अपनी लाइफ में जो स्टेप लिया ना वो भी इसी वाले से लिया है, इसी तरह ही लिया मैंने। मेरे पास जो सी इन्वेस्ट थी मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया 5 से 6 साल हो गए काम करते हुए, और इस फील्ड को मैं तकरीबन 2005 से मोबाइलों के जो सा ना फील्ड को मैं जान रहा हूँ। बेसिक स्टार्ट जो सा वह मैंने 2017 में किया था और मेरे पास उस वक्त अमाउंट थी 4 लाख। उस 4 लाख में मैंने काम स्टार्ट किया था अपने इस एरिए में पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का सिटी है गुजरात, उससे तकरीबन मैं 30 किलोमीटर दूर हूँ गुजरात से। वहाँ पे मैंने मशीन जो सी है वो इंस्टॉल की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मशीन थी उधर, क्योंकि उधर ज़रूरत थी मुझे। मैंने इस वजह से मशीन इंस्टॉल की थी यहाँ पे कि मुझे अपना काम जो सा वो लेके गुजरात ना जाना पड़े, इस वजह से मेरी मजबूरी थी। आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो सा वो मैं करते 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 इस वक्त मेरे पास माइक्रोस्कोप भी है, हर एक चीज़ है, वो काम किया है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होता है इंसान की लाइफ में। अगर आप काम आपने सीखा, आप कहेंगे कि एकदम से मैं जो सा मशीनें भी इंस्टॉल कर लूँ, सारा कुछ कर लूँ, फिर आप पजल हो जाए अपनी लाइफ में, यार मेरे पास काम नहीं आ रहा या मेरे से काम नहीं हो रहा, उससे बेहतर है कि अपनी इन्वेस्ट को आप सेफ रखें, सेफ जोन में कर दें। अगर आपके पास 8 लाख रुपए है और आप 4 लाख इन्वेस्ट करें, 4 लाख अपने पास बैकअप में रखें, ये एक बेहतर अमल है। उसके अलावा जो आप आस्ता आस्ता टूल वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि टूल इस वक्त बहुत कॉस्टली हुए हुए हैं, हमारे पाकिस्तान में डॉलर भी बहुत अप है,
और जिसकी वजह से काफी चीजें जो हमें जो है ना वो मिलना मुश्किल हो रही हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन यही है कि मोबाइल शॉप जो उनसे इंस्टॉल करने का जो मैंने आपको बेस्ट गाइडेंस या बेस्ट जो एडवाइस दी है वो यही है कि बजाय आप घर वालों के इतने पैसे लगा के फिर आपके पास काम ना आया फिर आप पजल हो जाए परेशान रहे उस परेशानी। देखिए हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप होती है। मैंने जो इतना कुछ यहाँ पे दुकान में इंस्टॉल किया है ये मेरी 5 साल की मेहनत है। मैंने 5 साल मेहनत की है इस दुकान पे। 4 लाख रुपए से मैंने मशीन लेके इंस्टॉल की थी एम ट्राइंगल की 102, ठीक है। मैंने एक एसी भी लगवाया था। बाकी आप नॉर्मल आप हिसाब लगा लें कि बाकी जितनी अमाउंट बची क्योंकि 1.5 लाख की मशीन गई थी, ठीक है, 50,000 का एसी गया, बाकी मेरे पास पीछे बचा 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये मैंने शीशे लगवाए, बाकी उसका दुकान का मेंटेनेंस वगैरह ये काम जो है वो मैंने किए। आस्ता आस्ता स्ट्रगल करते करते जो है मैं इस मुकाम पे, मेरे वालदैन और मेरी माँ की दुआएं हैं, उसके अलावा रब की जात का शुक्र है कि उसने एक इज्जत वाला मुकाम और इज्जत वाली जगह दी है। तो चीजें आती हैं, बस हमें सब्र करना पड़ता है और सब्र ही जो होता है वो अल्लाह पाक को पसंद है, तो उसकी वजह से इंसान को बहुत कुछ मिलता है। तो लिहाजा आप जो है इस चीज पे परेशान मत होएं कि यार मैंने इतने पैसे दिए मेरे से काम नहीं हो रहा। बाद का मेरे पास स्टूडेंट है, मैं उनको उनकी आपकी आपके साथ थोड़ी सी ना एडवाइस जो मेरे साथ बातें शेयर करते हैं। 2-3 तो ऐसे चले गए थे कि इस वाले थे कि मुश्किल काम है। तो भाई हम मुश्किल काम, ये एक मुश्किल चीज है, ये एक मशीन है, इसके बारे में हम किसी से पूछते हैं ये मशीन है, ठीक है, नहीं पता, नया बंदा काम सीखा कैसे यूज करना है। भाई मुश्किल है, मुश्किल को करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। अगर हम मुश्किल क्या क्या कि अपने दिमाग में माइंड में ये बातें सेट कर लेंगे कि यार मुश्किल है मुश्किल है, कोशिश करनी नहीं है, बस यही देखना ना हमने कि मुश्किल आती जा रही है, उस मुश्किल को हल करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये दिमाग दिया है और सोचने की ताकत भी दी है। तो लिहाजा यही बात कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम है चाहे मोबाइलों का है किसी भी हवाले से काम है, परेशान होने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, रब की जात पे यकीन होना चाहिए, ठीक है। तो बंदे को जो है वो कामयाबी मिलती जरूर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी तरह जो है कारोबार के रिलेटेड और रिपेयरिंग के हवाले से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।